जबलपुर के रांची में रहने वाली 14 साल की तोशिका के माता पिता की कोरोना संक्रमण से 2021 में मौत हो गई थी। तोशिका की मां सुनीता की 19 अप्रैल को कोविड संक्रमण से मौत हो गई थी। तो वहीं पिता कन्हैया भी पॉजिटिव थे, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 5 दिन बाद उन्होंने भी अपनी अंतिम सांस ली। महज 13 साल की उम्र में अचानक ही माता पिता का सिर से साया उठ जाने के बाद तोशिका के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। तोशिका को खुद का भविष्य तो बनाना ही था, साथ में छोटे भाई श्रीनिवास की जिम्मेदारी भी उस पर आ गई थी। माता पिता के गुजर जाने के बाद मदद के रूप में राज्य सरकार से तोशिका और उसके छोटे भाई श्रीनिवास को कुछ हद तक मदद भी मिली। दोनों को 5,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिल रही है। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय में सरकार की तरफ से उनका एडमिशन भी दिया गया, जहां उनकी पढ़ाई निःशुल्क है। पर तोशिका के लिए इतना काफी नहीं, उसका ड्रीम है कि वह अपने छोटे भाई को खूब पढ़ाए लिखाए और उसको अपने पैरों पर खड़ा कर दे। आपको बता दें कि तोशिका के माता पिता के देहांत के बाद अब तोशिका अपने चाचा चाची के साथ रह रही है। चाचा प्राइवेट जॉब करते हैं और चाची नर्स हैं। माँ बाप की मौत के बाद चाचा चाची उनकी जरूरतों की देखरेख कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।